हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे चांदनी मूवी का सॉन्ग लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो ये सॉन्ग सीखेंगे तो इसको हम यहाँ से सीखेंगे जी से, जो गाने की ओरिजिनल स्केल भी यही है तो यहीं से सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे। सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, तीव्र मा, तीव्र मा म्यूजिक में यूज होगा, पा, और ये शुद्ध धा, और मंद्र सप्तक में कोमलनी और ये शुद्धनी भी यूज होगा म्यूजिक पीस में। तो ये कोमलनी, कोमल धा, और ये पा, और ये माँ, यहाँ तक चलेगा। फिर इसके बाद में म्यूजिक पीस में शुद्धनी यूज होगा, और फिर इसके बाद में ये कोमल गा, ये भी यूज होगा म्यूजिक पीस में। बाकी अपना सॉन्ग यहीं तक कंप्लीट होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो म्यूजिक से। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो देखते हैं शुरू का इसका इंट्रो म्यूजिक। अब इसके बाद में मुखड़ा स्टार्ट होता है, तो उसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर इसके बाद में एक बांसुरी से थोड़ा म्यूजिक भी है, उसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर इसके बाद में अंतरा स्टार्ट होती है, तो अंतरे को देखते हैं किस तरह से प्ले होगी। तो दोस्तों इसके जो आगे की एक और अंतरा है वो भी सेम इसी तरह से चलेगी, बस थोड़ा सा चेंजेस है, एक टोन का फ़र्क है। जो टोन हमने अभी इस अंतरे में भी कोरस का पार्ट हमने सेलेक्ट किया था ये वाली, तो इसकी जगह में आप बांसुरी की लगा सकते हैं। बांसुरी से ही प्ले हुआ है तो आप बांसुरी की टोन यूज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आज का हमारा प्रयास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें कि वीडियो कैसी रही। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।